हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शादाब ग्राफिक। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से अपने एमएस वर्ड में नोटबुक का पेज बना सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपके लिए ट्यूटोरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आपको आ जाना है अपने एमएस वर्ड में, और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहला काम आपको यह करना है कि सबसे पहले आपको इसका पेज का मार्जिन खत्म करना होगा। मार्जिन क्या होता है कि जैसे कि आप अगर कुछ भी टाइप करते हैं तो यहाँ पर आपका ये कुछ गैप दे करके टाइप होता है, लेकिन आपको जो नोटबुक क्रिएट करनी है उसके लिए आपको यहाँ पर स्पेसिंग बिल्कुल नहीं चाहिए, तो आपको यहाँ पर मार्जिन खत्म करना होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लेआउट टैब में आना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर आपको लेआउट टैब मिल जाता है, इस पर आपको करना है क्लिक। देन उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है मार्जिन का, ये आप देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ लास्ट में आपको ऑप्शन मिल जाएगा कस्टम मार्जिन, यहाँ पर कस्टम मार्जिन पे आपको कर देना है क्लिक। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आता है, यहाँ पर आपको टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट इन सभी में 1 इंच यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ शो होगा। तो इन सभी 1 इंच को हटा करके आपको 0 कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर सब जगह 0 एंटर कर देता हूँ, आपको भी एंटर कर देना है। उसके बाद आपको ओके करना है, और जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका कर्सर यहाँ पर बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाएगा, यानी सारा मार्जिन आपका खत्म हो चुका। मार्जिन खत्म करने के बाद आपको जाना है इंसर्ट टैब में, तो आपको यहाँ पर इंसर्ट का जो ये टैब मिल रहा है इस पर आपको कर देना है क्लिक। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा टेबल का, आपको टेबल पर क्लिक करना है, और क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ रो ही रो सेलेक्ट करनी है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको ये रो सेलेक्ट करनी है। जितनी भी यहाँ पर लास्ट है वो आपको लास्ट रो पर क्लिक करना है, और ये आपकी इस तरीके से रो आ जाएंगी, सिंपल। अब आपको इन सभी रो को शिफ्ट के साथ में सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि ये सिलेक्ट हो चुकी हैं, और आपको यहाँ पर जो ये ऑप्शन मिल रहा है लेआउट वाला, ये आप देख सकते हैं जब हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं तब ये लेआउट का ऑप्शन आ जाता है, तो आपको इस पर कर देना है क्लिक। क्लिक करते ही गाइस यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएंगे, हाइट और विड्थ आपको जो ये दिख रहा है इसमें आपकी ये हाइट और विड्थ आपको शो हो जाएगी कि इन रो की कितनी हाइट और कितनी विड्थ है। तो आपको जो हाइट शो हो रही है 0.19, आपको इसको हटा करके यहाँ पर 0.3 कर देना है। तो जैसे कि मैं इसको 0.3 कर देता हूँ, और ये आप देख सकते हैं 0.3 आपकी ये हाइट हो चुकी है। उसके बाद सबसे ऊपर की जो है आपकी लाइन है, इस पर आपको कर्सर को रखना है, और जैसे आप कर्सर यहाँ पर रोक कर रखेंगे तो इस तरीके का आइकन आपका बन जाएगा कर्सर पर। तो आपको इसको लेफ्ट क्लिक से पकड़ करके थोड़ा नीचे इस तरीके से ले आना है। जितना भी आप हेडर रखना चाहते हैं अपनी नोटबुक के पेज का, वो आपको यहाँ पर गैप छोड़ देना है। उसके बाद में गाइस सबसे लास्ट लाइन पर आपको कर्सर को रखना है और टैब बटन प्रेस करना है। तो जितने भी आप टैब बटन प्रेस करेंगे, ये आप देख सकते हैं आपकी नोटबुक के उतने ही ज्यादा लाइन यहाँ पर ड्रॉ होती रहेंगी। तो इस तरीके से आपको करना है, और लास्ट यहाँ पर लाकर आपको छोड़ देना है। इसके बाद अगर आप टैब प्रेस करेंगे तो ये आप देख सकते हैं आपका नेक्स्ट पेज पर ये चला जाएगा, इसलिए आपको नेक्स्ट पेज पर नहीं आना है। कंट्रोल जेड से वापस आ गया, ये आप देख सकते हैं सभी पेज पर मेरी लाइन ड्रॉ हो चुकी है। उसके बाद आपको अगला काम करना है, जो हमारी रेड लाइन होती है वो अब हम ड्रॉ करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, इंसर्ट वाला जो है आपका वो टैब दिख रहा है उस पर आपको फिर से जाना है। अब यहाँ पर आपको शेप का ऑप्शन मिलेगा, ये आप देख सकते हैं जो ये शेप्स का आपको टूल दिख रहा है इस पर आपको करना है क्लिक। उसके बाद में आपके सामने इस तरीके से सभी शेप आ जाएंगे जो यहाँ पर अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपको लाइन वाला जो ये शेप दिख रहा है इस पर आपको करना है क्लिक, और क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का आपके कर्सर पर एरो आ जाएगा। आपको क्या करना है, आपको जो लाइन ड्रॉ करनी है वो कुछ इस तरीके से आपको करना है, और शिफ्ट दबा करके आपको लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर पेज के बिल्कुल अंदर तक इसको कर देना है। जैसे ही आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको यहाँ पर शेप फॉर्मेट का ये टैब आ जाएगा, तो आपको इसी में ही एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर शेप आउटलाइन, तो आपको इस पर करना है क्लिक। उसके बाद में यहाँ पर जो आपको रेड कलर दिख रहा है आपको ये सिलेक्ट कर लेना है, और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी ये लाइन रेड हो जाएगी। उसके बाद आपको इस लाइन को सिलेक्ट करना है, रेड वाली लाइन जो हमने ये बनाई है इसको हम क्लिक करेंगे। उसके बाद में कंट्रोल के साथ में आपको थोड़ा सा ऊपर इसको इस तरीके से कर लेना है। आप चाहें तो एरो बटन को अप डाउन करके कीबोर्ड से इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो जितना भी आपको बेहतर लगे उतना आपको इसे ऊपर नीचे करके सेट कर लेना है, जैसे कि मैंने कर लिया है। उसके बाद में अगेन आपको इंसर्ट टैब में आना है, फिर से आप यहाँ पर शेप टूल में जाएंगे, और यहाँ पर आपको लाइन वाला शेप सेलेक्ट करना है। अब क्या आपको लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ करनी है कि आपके जो पेज पर पूरी आ जाए, यहाँ से आपको सेलेक्ट करके नीचे तक ले आनी है। ये आप देख सकते हैं ये आपकी लाइन फिर से ड्रॉ हो चुकी, आपको इसको भी पेज के ऊपर तक
कर देना है, शिफ्ट टूल के साथ में आपको इसको ड्रॉ करना है ताकि आपकी ये लाइन एकसार हो जाए। तो जैसे कि मेरी ये लाइन पूरी यहाँ पर आ चुकी है इस पेज पर, आप चाहें तो इसे एरो कीज के थ्रू आगे पीछे भी कर सकते हैं, जितना आप करना चाहें वो आप आगे पीछे का ये एरो बटन यूज़ करके इसे कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर फिर से शेप आउटलाइन में जाना है, यहाँ पर रेड कलर कर देना है और फिर से आप क्या करेंगे, फिर से आपको कंट्रोल बटन प्रेस करके इसको इस तरीके से राइट में ले आना है और ये आप देख सकते हैं आपकी लाइन डबल हो जाएगी। फिर से आप इसको एरो बटन के थ्रू आगे पीछे कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये आप देख सकते हैं हमारा इतना काम कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट करना है, जैसे कि आप देखते होंगे नोटबुक में होता है यहाँ पर एक बॉक्स डेट वाला। उसके लिए आपको जाना है इंसर्ट टैब में और यहाँ पर फिर से आपको शेप में जाना है। शेप में जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है राउंडेड रेक्टेंगल का, आपको इस पर करना है क्लिक और क्लिक करते ही आपका कर्सर फिर से ऐसा हो जाएगा, आप यहाँ पर उसे ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। या आप देख सकते हैं आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं जितना बड़ा आपको ये करना है। जैसे ही आप इस शेप को ड्रॉ करेंगे तो इसका कलर यहाँ पर आपको इस तरीके का मिल सकता है। आपको क्या करना है, शेप फॉर्मेट में आपका ऑलरेडी ये टैब सेलेक्ट होगा, उसी के अंदर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा शेप फिल का, आपको इस पर करना है क्लिक। तो शेप फिल पर क्लिक करते ही आप इसको नो फिल कर देंगे, यहाँ पर आपको लास्ट में ऑप्शन मिलता है नीचे नो फिल, आपको इस पर कर देना है क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ये आपका फिल खत्म हो जाएगा, जो कलर था आपका अंदर का वो खत्म हो चुका है। उसके बाद में शेप आउटलाइन पर क्लिक करेंगे और फिर से रेड लाइन इसकी आपको कर देनी है। तो जैसे कि हमारी ये रेड लाइन हो चुकी है इसकी बॉक्स की, अब इस शेप के अंदर आपको टेक्स्ट टाइप करना है, जो डेट और पेज लिखा हुआ होता है इसके अंदर वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसकी बाउंड्री पर आपको राइट क्लिक करना है कर्सर रख के, और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एड टेक्स्ट, आपको इस पर करना है क्लिक। एड टेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का कर्सर आ जाएगा, या आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट बीच में आता है सेंटर में, तो आपको कंट्रोल एल करके इसे लेफ्ट में कर लेना है। अब यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है डेट, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर टाइप किया है लेकिन यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, तो आपको इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ये जो कलर का ऑप्शन मिलता है होम टैब में, उस पर आपको क्लिक करना है, रेड कलर आपको यहाँ पर ले लेना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर रेड कलर लिया और ये आप देख सकते हैं आपका ये शो हो रहा है। डेट लिखने के बाद आपको यहाँ पर डॉट डॉट इस तरीके से टाइप कर देने हैं, फिर आप एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपको लिखना है पेज PAGE, फिर से आप डॉट डॉट लगाएंगे और ये आप देख सकते हैं आपका ये इतना काम कंप्लीट हो चुका। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर गैप ज़्यादा हो रहा है डेट और पेज के बीच में, तो आपको इन दोनों को इस तरीके से सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर होम टैब में ही आपको पैराग्राफ के अंदर स्पेसिंग का ऑप्शन मिलेगा ये वाला, आपको इस पर करना है क्लिक। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको सबसे लास्ट में जो ये रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ ये ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं आपका स्पेस यहाँ पर कम हो चुका है। अब अगर आप थोड़ा सा स्पेस इसके बीच में देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फिर से इन्हें सेलेक्ट करना है और आपको यहाँ पर फिर से स्पेसिंग वाले ऑप्शन में जाना है। अब यहाँ पर आपको 1.5 ये जो मिल रहा है इस पर आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा स्पेस हमारा ठीक हो चुका है। और फाइनली गाइज यहाँ पर आपका ये पेज कम्प्लीटली तैयार हो चुका है, ये आप देख सकते हैं पूरा पेज आपका यहाँ पर सही से तैयार हो चुका है। अब आपको सिंपली कंट्रोल पी करना है और आपको अपने प्रिंटर से इसको प्रिंट कर लेना है। तो गाइज इस तरीके से आप एमएस वर्ड में नोटबुक का पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि घर पर भी आप इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आप भी इसको क्रिएट कर सकें। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।